बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि रूट फाइव को इरेशनल प्रूफ करना है, तो बेटा हम इस क्वेश्चन में रूट फाइव को रैशनल लेकर चलेंगे, ठीक है? हम उल्टा लेकर चलेंगे, ठीक है? फिर क्या होगा बेटा, हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, रस्ते में एक बात ऐसी आएगी कि हम कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता। अब ये नहीं हो सकता तो ये आया कहाँ से बेटा, यहाँ से। ये क्या है, ये रूट फाइव को रैशनल माना है। इसका मतलब यदि ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं होगा, बात समझ में आई? और ये नहीं होगा इसका मतलब रूट फाइव रैशनल नहीं है, तो फिर क्या है बेटा, इरैशनल। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसे कहते हैं कंट्राडिक्शन, विरोधाभास, ठीक है? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बेटा रूट फाइव को इरैशनल बताना है, तो हम क्या लेके चलेंगे, उल्टा, रूट फाइव को रैशनल माना, ठीक है? अब बेटा हम क्या लिख सकते हैं, देयरफोर हम लिख सकते हैं रूट फाइव को बेटा a अपॉन b लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये रैशनल है तो a अपॉन b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ a और b क्या है, तो a और b आर को प्राइम नंबर से बेटा, ठीक है? ये आपको अनिवार्य रूप से लिखना है। और बेटा b क्या है, जीरो नहीं है, b इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब बेटा को प्राइम्स नंबर्स क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर नहीं होता। इसका मतलब a और b का कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इस पे हम क्वेश्चन आगे बढ़ाने वाले हैं। तो बेटा a और b को प्राइम नंबर है, इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है? अब क्या करोगे बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पर स्क्वायर करा बेटा तो यहाँ पर भी स्क्वायर करा। बताइए क्या करा आपने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करा, ठीक है? तो बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 5 बचा अपॉन 1, और ये क्या हुआ बच्चों, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है? अब बेटा बी स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊंगी और 5 को नीचे लाऊंगी, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या पता चला बेटा आपको, इससे ये पता चला, ध्यान से सुनना बेटा, ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, दिख रहा है, ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो लिख दो। हमें इससे पता चला ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है? अब बेटा हम कह सकते हैं ए स्क्वायर यदि 5 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं ए इज डिविजिबल बाय 5, ए भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है? अब बेटा हम क्या कह सकते हैं, इस सेंटेंस से हमें पता चला बेटा कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए। ए का क्या होगा बेटा, एक फैक्टर होगा क्या, 5, ठीक है? इसका ये मतलब हुआ। अब क्या करेंगे, यदि a का 5 फैक्टर है बेटा तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 5 के, ठीक है? लिख सकते हैं ना, अगर फैक्टर है a का तो ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ k का मतलब क्या, k बिलोंग्स टू i, मतलब k क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है? अब बेटा इसकी जो वैल्यू है, किसकी बेटा, a की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, 5 के इक्वेशन 1 में रख देते हैं,
बाय वन, इक्वेशन वन में रखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ बेटा ए स्क्वायर, ए की जगह बेटा ये रखेंगे। तो देखो ए की जगह जब ये रखोगे तो ए का स्क्वायर मतलब 5k का स्क्वायर कितना हुआ 25k स्क्वायर अपॉन में क्या है बेटा 5k टेबल से कैंसल बी स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। ठीक है अब बेटा 5 को डिवाइड में ले आओ ले आए इक्वल टू क्या हुआ के स्क्वायर। अब ये बात क्या कह रही है ये बात कह रही है बेटा बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है लिख लेते हैं इसको बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि b इज डिविजिबल बाय 5। अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल हुआ तो बेटा b भी तो 5 से डिविजिबल होगा तो लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ बेटा 5 इज अ फैक्टर ऑफ b, 5 क्या होगा b का एक फैक्टर होगा। अब बात ध्यान से सुनना क्वेश्चन यही खत्म हो गया लेकिन समझने की बात क्या है a और b को प्राइम नंबर थे इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 को छोड़कर। ठीक है लेकिन आपने देखा a का फैक्टर क्या है बेटा 5 है और b का फैक्टर भी 5 है दोनों का कॉमन फैक्टर क्या मिला बेटा 5 मिला लेकिन हमने a और b को क्या माना को प्राइम नंबर माना इनका कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा लेकिन मिला। इसका मतलब यहाँ हो गया कंट्राडिक्शन विरोधाभास। इसका मतलब ये बेटा ये नहीं हो सकता। ठीक है तो बेटा रूट ये सब चीजें आई कहाँ से थी बेटा यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है इसका मतलब यह भी नहीं हो सकता इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया है हमने जो माना है क्या बेटा रूट 5 रैशनल है इसका मतलब वो गलत माना है गलत एज्यूम किया है। तो फिर क्या सही है फिर सही हुआ रूट 5 इज इरेशनल। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि 3+2 रूट 5 इरेशनल है बेटा हम इसे रैशनल लेकर चलेंगे और रास्ते में कोई एक बात ऐसी होगी जो नहीं हो सकती इसका मतलब वो बात आई कहाँ से बेटा यहाँ से तो बेटा ये क्या होगा रैशनल नहीं होगा तो फिर क्या होगा इरेशनल होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करके बताती हूँ बेटा आपको इसको इरेशनल बताना है सिद्ध करना है। तो बेटा सबसे पहले इसे हम उल्टा मान लेते हैं रैशनल मान लेते हैं मान लिया। अब बेटा यदि ये रैशनल है तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ a और b क्या है a और b बेटा को प्राइम्स नंबर है। ठीक है और जहाँ बेटा b इज नॉट इक्वल टू जीरो b जीरो नहीं है। ठीक है अब बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे ये प्लस का 3 है उधर जाएगा माइनस का हो गया तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है अब बेटा ये 2 × √5 यहाँ एलसीएम लोगे b आएगा सिंपल तरीके से करेंगे 1 का a में मल्टीप्लाई a माइनस b का 3 में मल्टीप्लाई 3b। ठीक है अब अगली स्टेप में ये जो 2 मल्टीप्लाई में है बेटा डिवाइड में डाल देंगे। अब आपको क्या मालूम है बेटा a माइनस 3b अपॉन 2b ये क्या है इज रैशनल
ये रैशनल है रैशनल, ए और बी के फॉर्म में है, रैशनल है। क्यों है बेटा? रीजन आपको बताना होगा, बिकॉज ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है, इसलिए बेटा ये क्या है, रैशनल है। बेटा ये रैशनल है तो ये क्या हुआ, उसके इक्वल में लिखा है, रूट फाइव भी क्या होगा, रैशनल होगा। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं बेटा रूट फाइव रैशनल नहीं होता, इरैशनल होता है, ठीक है। तो रूट फाइव क्या है बेटा, इरैशनल है। रूट फाइव के इक्वल में क्या लिखा है, ये a माइनस थ्री बी अपॉन टू बी, रूट फाइव के इक्वल में लिखा है। रूट फाइव इरैशनल है तो ये भी इरैशनल होगा, ठीक है, और ये इरैशनल होगा। तो ये आया कहाँ से बेटा, यहाँ से, तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, इरैशनल होगा। इसका मतलब जो हमने माना है, एज्यूम किया है, वो क्या है बेटा, रॉन्ग है, ये रैशनल नहीं है, ये क्या है बेटा, इरैशनल। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि 1/√2 को इरैशनल बताना है, तो बेटा हम एज्यूम करेंगे 1/√2 क्या है, रैशनल है, ठीक है। अब बेटा 1/√2 यदि रैशनल है तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू a/b, ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि रैशनल माना है। अब आप बताइए कि ए और बी यहाँ क्या है, को प्राइम्स नंबर, ठीक है, और जहां बी क्या है, जीरो नहीं है, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर नहीं होता वन को छोड़ के, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए बेटा, यहाँ स्क्वायर करा तो यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ बताइए क्या करा आपने, आपने करा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करा, तो बेटा 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर बेटा 2, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया बेटा बी स्क्वायर, ठीक है। अब बी स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं और ये अपॉन 2 इक्वल टू क्या है बेटा, ए स्क्वायर। मैं सिर्फ बी स्क्वायर को ऊपर ले गई हूँ बेटा, ठीक है। अब बेटा आपको क्या समझ में आया, इस इक्वेशन से बेटा आपको पता चला कि बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, दिख रहा है, लिख देते हैं बेटा, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। यदि बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि बी इज डिविजिबल बाय 2, बी भी 2 से क्या होगा बेटा, डिविजिबल होगा। अब बेटा हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्या है, हम लिख सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी, बी का एक 2 क्या होगा, फैक्टर होगा। तो बेटा हम यहाँ लिख सकते हैं, यदि फैक्टर है तो लिख सकते हैं बी इक्वल टू 2k, लिख सकते हैं। अब k का मतलब कोई इंटीजर, k बिलोंग्स टू i, k क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है। अब बेटा इस इक्वेशन 1 में b की जगह क्या रखेंगे, 2k रखेंगे, तो रख देते हैं बाय इक्वेशन 1, b की जगह बेटा ये 2k यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा
टू के का स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा ये हो गया 4 का स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कैंसल, 2 के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बेटा इस 2 को मैं डिवाइड में डाल देती हूँ, ऐसा हो गया। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये इक्वेशन आपको बताती है कि ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। लिख देते हैं, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो हम कह सकते हैं ए इज डिविजिबल बाय 2। अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इस लाइन का मतलब हुआ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए। ए का क्या होगा, फैक्टर। अब ध्यान देना, ये रेड लाइन से मैंने जो लिखा है इसका मतलब क्या बेटा, बी का फैक्टर एक 2 है और ए का फैक्टर भी 2 है, दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है। ठीक है, ये दोनों बातें हमें ये बता रही हैं, ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 है, जबकि ए और बी को आपने को प्राइम्स नंबर माना है, जिनका कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 को छोड़कर। लेकिन हमने तो यहाँ बता दिया कि इनका कोई कॉमन फैक्टर 2 है, तो बेटा ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब गलत है। ठीक है, अब ये गलत आया कहाँ से बेटा, यहाँ से जो आपने एज्यूम किया था वहां से। ठीक है, इसका मतलब 1/√2 को रैशनल माना था, एज्यूम किया था, वह एज्यूम भी आपने क्या माना, गलत माना। ये प्रूफ हो गया कि ये जो हम लेकर चले थे ये भी गलत था। इसका मतलब 1/√2 रैशनल नहीं है, नहीं है तो फिर क्या है, इरैशनल है। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि 7√5 को इरैशनल प्रूफ कीजिए, तो बेटा हम उल्टा मानकर चलेंगे, 7√5 को रैशनल मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, यदि ये रैशनल है तो हम बेटा लिख सकते हैं 7√5 इक्वल टू ए अपॉन बी। 7√5 को ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ ए और बी क्या है बेटा, ए एंड बी आर को प्राइम्स नंबर्स। और क्या है बेटा, बी जीरो नहीं है, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। को प्राइम्स नंबर्स क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर नहीं होता वह को प्राइम्स नंबर्स होते हैं, 1 को छोड़कर। ठीक है, अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं, 7 को बेटा मैंने दूसरी तरफ ले गई और डिवाइड में डाल दिया। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, मैं लिख सकती हूँ a अपॉन 7 b इज रैशनल। लिख सकती हूँ, क्यों लिख सकती हूँ, बिकॉज a एंड b आर इंटीजर, इसलिए लिख सकती हूँ कि ये क्या होगा बेटा, रैशनल होगा। क्यों बेटा, क्योंकि a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, इसलिए ये रैशनल है, ये रैशनल है। और इसके इक्वल टू में क्या लिखा है, रूट फाइव लिखा है, तो ये हो गया बेटा कि रूट फाइव इज रैशनल। ठीक है, रूट फाइव रैशनल हो गया, लेकिन हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं बेटा रूट फाइव रैशनल नहीं होता, इरैशनल होता है। इसका मतलब बेटा ये क्या है, रूट फाइव इरैशनल है,
ठीक है, और इसके इक्वल में ये लिखा है, ये भी क्या होगा, फिर इरेशनल होगा, ठीक है। और ये आया कहाँ से बेटा, यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि 7√5 रैशनल है, वो एज्यूम करना गलत था, रॉन्ग था। 7√5 रैशनल नहीं, इरेशनल है। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि 6+√2 इरेशनल प्रूफ करो। बेटा हम उल्टा मानकर चलेंगे कि 6+√2 क्या है बच्चों, रैशनल है, ठीक है। यदि ये रैशनल है बेटा तो हम लिख सकते हैं 6+√2 = a/b। ए अपॉन बी के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने रैशनल माना है, ठीक है। यहाँ ए और बी क्या है, यहाँ पे बेटा ए और बी क्या है बेटा, को प्राइम्स नंबर्स, ठीक है। और बेटा बी जीरो नहीं है, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी जीरो नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, ये प्लस का 6 है, उधर जाएगा माइनस का 6 हो गया, ठीक है। अब बेटा इसके अपॉन में 1 लगा लेते हैं। अब ये √2, आप एलसीएम लोगे बी तो क्या होगा बेटा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे, 1 का ए में मल्टीप्लाई ए, माइनस की जगह माइनस, बी का 6 में मल्टीप्लाई 6b, ठीक है। अब बेटा मैं लिख सकती हूँ a माइनस 6b अपॉन बी इज रैशनल, लिख सकती हूँ, कारण बताइए, बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। a एंड b क्या है बेटा, इंटीजर्स, तो मैं लिख सकती हूँ कि ये रैशनल है। यदि ये रैशनल है तो इसके इक्वल टू में क्या लिखा है, √2, तो बेटा √2 भी क्या हो गया, रैशनल हो गया, हो गया। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √2 इरेशनल है इरेशनल, और बेटा ये इरेशनल है तो इसके इक्वल में ये जो लिखा है वह भी इरेशनल होगा। और ये आया कहाँ से बेटा, यहाँ से। इसका मतलब 6+√2 भी इरेशनल होगा। इसका मतलब हमने बेटा इसे जो रैशनल माना था वह गलत था। 6+√2 रैशनल नहीं है, इरेशनल है।